हेलो चिल्ड्रन वेलकम बैक टू एक्स्ट्रा क्लास विथ आर एन मंडल चिल्ड्रन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस युअर लेसन नंबर एइट एडजेक्टिव फ्राम यु बुक कॉल इज इंग्लिश ग्रामर एंड कम्पीस ऑफ क्लास फोर्थ ओके सो स्टार्ट दैसन ऑलरेडी वी अपलोड द वीडियो अपर सेवन एंड फ्यू ऑफ द अदर चाप्टर्स ऑल्सो यू कैन चेक इट द प्ले लिस्ट ऑफ युअर क्लास और लिंक इज गिवेन इन द डिस्क्रिप्स वन मोर थिंग इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ यू फाउंड द एनी काइंड ऑफ एनी इशूज़ और एनी काइंड ऑफ एनी थिंग्स प्लीज मैंसर इन कमेंट सेक्शंस ओके अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव्स क्या होता है वट इज़ एडजेक्टिव एडजेक्टिव जो होता है नाउन या प्रनाउन के बारे में जो स्पेशल कुछ बताएँ विशेषता बताएँ दैट इज़ नॉन एज एडजेक्टिव ओके

ही हैज़ सी हैज अ डेस् प्लेंट सी हैज़ ए लॉन्ग प्लेंट लॉन्ग जो उसका चोटी है उसकी बात कर रहे हैं एल ओ एन जी और उसका क्या है शॉर्ट है हीज क्लोथ्स आर डर्टी और क्लीन आप इसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं डर्टी इसका है और इसका क्लीन है ठीक है इस क्लोथ्स आर क्लीन सी एल ई एन इस तरह से आप इसको बना सकते हैं आगे देखते हैं हम लोग एडजस्टिव का जो डेफिनेसन है यहाँ पर है एडजेक्टिव इज डिस्क्राइब अ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग दे एड मीनिंग टू नाउन एंड प्रोनाउन नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो ऐड करती है कोई मीनिंग उसको एडजेक्टिव बोलते हैं इसका डेफिनेशन यहाँ पर दिया है राम इज अ काइंड मैन राम एक दयालु इंसान है ठीक है सो राम इज अ काइंड मैन राम कैसा है राम इज वेरी काइंड सो वेरी काइंड इज योर एडजेक्टिव क्लियर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको देखते हैं अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंसेज इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना ओनली एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है एडजेक्टिव क्या है देर इज ए स्टेन ऑन द ऑरेंज शर्ट ऑरेंज शर्ट पर एक दाग लगा है तो क्या होगा ऑरेंज द ओल्ड मैन इज़ फ़नी ओल्ड मैन कैसा है फ़नी है मैन है ओल्ड और फनी भी है दो एडजेक्टिव इसमें है मोनिका बैग मोनिकाज बैग इज़ ओल्ड एंड टोन उसका बैग ओल्ड है और टोन है दोनों आपका क्या है एडजेक्टिव है द दंगरी चाइल्ड क्राइड लाउडली चाइल्ड कैसा है हंगरी है ठीक है तो इसमें आपको लिखना है हंगरी अंडरलाइन करनी है द यंग फाउंड फ्रेज ग्रीन ग्रास टू इट यहाँ पर बहुत सारे एडजेक्टिव हैं आपको देखना है सो यंग फ्रेश और ग्रीन तीन है ठीक है यंग फ्रेश और ग्रीन तीन है यहाँ पर नंबर सिक्स देखते हैं द वंडरफुल विजार्ड ऑफ ओज इज स्टोरी ऑफ ब्रेव गर्ल्स ही हैज़ अ पैड डॉग कॉल्ड टोटो तो इसमें देख लो क्या है ब्रेब यंग और पेट है ठीक है ब्रेब यंग है और पेट है तीन चीज़ें इसमें है नंबर सेवन में आता है आई बोट ट्वेंटी स्वीट्स एंड टेन सेंटेड पेंस फॉर माय फ्रेंड आपको देखना ट्वेंटी है टेन है और सेंटेड है ये तीनों आपका क्या है एडजेक्टिव है ठीक है आगे देखते हैं राइट सुटेबल एडजेक्टिव्स फॉर द नाउन सुटेबल एडजेक्टिव इसको फिलअप करने हैं नाउन के साथ डैस माउंटेन कोई भी आप एडजेक्टिव हो सकते हैं मैं इसको फिलअप कर रहा हूँ हालांकि आपका आंसर इससे अलग भी हो सकता है डोंट वरी अबाउट इट कोई भी आंसर माउंटेन का एक कोई भी काइंड आपको विशेषता एडजेक्टिव इसको बताना है सो टॉल माउंटेन टी ए डबल एल डैश रिवर ठीक है लॉन्ग रिवर कर सकते हैं डैश सी ब्लू सी बी एल यू ई ब्लू सेज कौन सा वाई सेच बुद्धिमान डैस टॉय ठीक है कौन सा टॉय है तो इसको आपको नंबर फाइव जो है टॉय के बारे में बात कर रहे कलरफुल टॉय सी ओ एल ओ यू आर एफ यू एल कलरफुल टॉय डैस नाइफ शार्प नाइफ एस एच ए आर पी शार्प नाइफ डैश फिल्म फिल्म कौन सा है इंटरेस्टिंग फिल्म आई एन टी ई आर ई एस टी आई एंजेंट इंटरेस्टिंग फिल्म आगे बढ़ते हैं डेस्ट वुमेन इंटेलिजेंट वुमेन आई एन टी ई डबल एल आई जी ई एंड टी इंटेलिजेंट वुमेन क्लियर है आगे देखते हैं हम लोग राइट सुटेबल नाउंस फॉर द एडजेक्टिव्स इसके नाउंस भी आपको लिखने है टॉल ट्री लिख सकते हैं टॉल बॉय लिख सकते हैं कोई भी हो सकता है अलेबर गर्ल ब्रेब मैन अ काइंड किंग अ थिक क्या वॉल दीवार जो मोटी है ओल्ड मैन अ ग्रीन ट्री अ यंग बॉय या और भी आप कुछ लिख सकते हो स्टूडेंट ऐसा कुछ आगे आते हैं काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव्स के भी कुछ प्रकार होते हैं काइंड्स होते हैं फर्स्ट वन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी स्टेल्स साइज सेप कलर एंड पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ ए नाउन और पर जैसे आई हैड ए कोल्ड ड्रिंक यस्टरडे ठीक है डिलीसियस के प्राउड मैन स्वीट स्मेल और लार्ज बॉक्स इस तरह से जो है एडजेक्टिव के क्वालिटी हैं आगे देखते हैं हम लोग डी पार्ट में डी पार्ट में करना क्या है आपको रिलाइड द सेंटेंसेस बाय एडिंग सुइटेबल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी फॉर द अंडरलाइन नाउन इसका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आपको लिखना है जो भी अंडरलाइन नाउन है सॉरी हाँ ठीक है रिराइड सेंटेंस बाय एडिंग सुइटबल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी फॉर द अंडरलाइन नाउन जैसे लिखा द बस वेंट डाउन द रोड द रेड बस वेंट डाउन द डस्टी रोड द मंकी मंकी के बारे में आपको लिखना द मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ इसके पहले आपको बस लिखना सेंटेंस सेम ही रहेगा जस्ट ओनली आपको मंकी के पहले कुछ ऐड करना बनाने के पहले कुछ ऐड करना सेंटेंस सेम टू तो सेम रहेगी इसमें कोई चेंजेस नहीं है नोटी मंकी नो मंकीज़ क्या होती है नोटी होती है हमेशा नटखट होती है ठीक है नो एन यू जी एच टी वाई नोटी नोटी के बाद बनाना बनाना कैसे बनाना, राई राई बनाना. Second, house, house है राइप बनाना आर आई पी ई राइ बनाना सेकेंड द हाउस वॉज बर्न डाउन बाय द रॉबर ठीक है ओल्ड हाउस हाउस कैसा है ओल्ड है बर्न रॉबर कैसा है रॉबर मतलब जो डाकू होते हैं क्रूल सी आर यू ई एल उनमें कोई दया की भाव नहीं है सी आर यू ई एल क्रूल रॉबर हो गया आ गया हैं नंबर फोर में द केक वॉज डेकोरेटेड विथ फ्रूट ठीक है चॉकलेट केक आएगा इसमें क्या आएगा चॉकलेट सी एच ओ -O सी ओ एल ए टी -E, चॉकलेट केक कौन सी फ्रूट है फ्रूट कलरफुल फ्रूट सी ओ एल ओ यू आर एफ यू एल कलरफुल फ्रूट आ, बेबी क्राइड इन द नर्स आर्म ठीक है हंगरी बेबी एच यू एन जी आर वाई हंगरी बेबी क्राइड इन टॉल नर्स आर्म Tall नर्स ठीक है असी put द फ्लावर इन द vase वास ठीक है so, सो फ्रेश फ्लावर फ्लावर कैसे है फ्रेश है एफ r e है सच फ्रेश भाष कैसा है जो है टॉल है या फिर आप इसको और भी ऐसा कुछ लिख सकते हैं ब्यूटीफुल वास लिख सकते हैं भाष बहुत ही अच्छा है ब्यूटीफुल बी एफ यू एल ब्यूटीफुल भाष नंबर आगे देखते हैं सेवन एट ठीक है द बेगर वॉकड एकरोस द रोड द बेगर द टायर्ड टी आई आर ई डी टी आई आर ई डी टायर्ड बेगर वॉक एकर द डैस रोड बीजी रोड रोड कैसा है बीजी है बी यू एस वाई बीजी ठीक है द लैपटॉप बिलोंग टू द गर्ल द वाइट लैपटॉप लैपटॉप कैसी है वाइट है डब्ल्यू एच आई टी वाइट लैपटॉप बिलोंग टू द डैस गर्ल कौन सा गर्ल है गर्ल है यंग गर्ल वाई ओ यू एन जी यंग गर्ल कंप्लीट है आगे देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आ गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टेल अस हाउ मच ऑफ समथिंग देयर इस कितना है हाउ मच क्वांटिटी नाम से पता चल रहा है दे सो द एग्जैक्ट नंबर इसके एग्जैक्ट नंबर के बारे में आपको पता चलता है ऑल द एप्पल्स वूट एन सारे के सारे एप्पल्स क्या है खराब है सम चिल्ड्रेन रीच्ड अर्ली कुछ बच्चे जल्दी आ गए सो इसमें नंबर का पता चल रहा है और इसके साथ साथ है एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेल अस नंबर इसमें नंबर बताती है कितने हैं हाउ मेनी एक्चुअली ठीक है और नंबर भी दो टाइप के होते हैं ऑर्डिनल्स एंड कॉर्डिनल्स कॉर्डिनल्स नंबर क्या होता है वन टू थ्री और ऑर्डिनल से नंबर होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड ठीक है इस तरह से जो है ये आपको देखना है नेक्स्ट ई पार्ट में आएंगे अंडरलाइन द एडिकटिव इन देंटेंसेज वेदर राइट वेदर दे आर क्वालिटी क्वान्टिटी और नंबर इसमें आपको पहचानने हैं आइडेंटिफाई करने हैं तो देखते हैं ई पार्ट को अंडरलाइन Under, uh, करेंगे द सॉप वॉज डेकोरेटेड विध मैनी कलरफुल बैलून्स ठीक है तो आपको पहचानने कौन कौन सा एडजेक्टिव है सबसे पहले तो मैनी है मैनी कौन सा है एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी क्यू यू ए एन टी आई टी वाई क्वान्टिटी ओके सबसे पहला हो गया उसके बाद है कलरफुल कलरफुल भी आपका एडजेक्टिव है सो एडज क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्यों क्वालिटी हो गया क्यों एल आई टी क्योंकि एडजेक्टिव की क्वालिटी को बता रहा हूँ उस किस प्रकार का बैलून है किस टाइप का बैलून है और मैनी कितने हैं इसलिए क्वान्टिटी आ गया क्लियर है तो इसमें देख लेते हैं कितने क्वेश्चन से हमारे टोटल टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सारे टेन टेन क्वेश्चन इसको हम लोग करेंगे उसके बाद है डेवोनेस्ट्री ऑफ एडजेक्टिव इसके भी है एप पार्ट एप पार्ट भी हम लोग बनाएंगे सो ई पार्ट और एप पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो द पार्ट टू ऑफ दिस चाप्टर ओके till then you have to wait and if you found the video is useful please do like share and subscribe the channel as well as यू कैन ज्वाइन आवर मेंबरशिप बटन जो यहाँ पर ज्वाइन बटन है इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं इससे क्या होगा आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए कोई डाउट क्लियर है आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं साथ ही साथ एक नंबर दिया व्हाट्सअप नंबर जो मेरे पर्सनल नंबर है उसमें से आप कोई डाउट है या कुछ आपको इंक्वायरी करनी है कर सकते हो डोंट वरी अबाउट इट सो टिल देन बी हैप्पी सी अगर इन नेक्स्ट लेसन विथ न्यू क्लास न्यू चाप्टर नॉट न्यू चैप्टर द पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो ऑफ दिस चैप्टर टिल देन बी हैप्पी सी अगर इन नेक्स्ट क्लास Thank you.